इस वक्त हमारे साथ हैं सुनील कुमार सोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ से बीजेपी के सांसद। खासकर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कई सारे मसले हैं, उन मसलों के पीछे जाइएगा तो कहानी कुछ और निकल के आती है। शुरुआत हम करेंगे सर, सबसे पहले आपका टीवी नाइन भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बीजेपी के सांसद, सरकार वहाँ कांग्रेस की है, तालमेल की बेहद कमी नज़र आ रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं जो यहाँ से भेजे जा रहे हैं पैसे, वो भी सही ढंग से वहाँ लागू कारगर नहीं हो पा रही है, योजनाएं वहाँ नहीं लागू की जा रही हैं। देखिए, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, बड़ा बहुमत मिला है उनको कांग्रेस को, लेकिन उनको लग नहीं रहा कि मैं सरकार में हूँ और मैं मुख्यमंत्री हूँ। वो आज भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और एक प्रतिपक्ष का भूमिका के अंदर में खड़े हैं। हर बात में केंद्र को कोसना, मोदी जी के ऊपर प्रश्न लगाना, योजनाओं को नहीं करना, पैसा है खर्च नहीं करेंगे वाली नीति में खड़े रहना, एक भ्रम पैदा करके राजनीति करने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। केंद्र की योजना है लगभग 16 लाख मकान जो है गरीबों के आवास, प्रधानमंत्री आवास, वो उसका पैसा लौट गया। 3 साल से एक मकान स्वीकृत नहीं हुआ। वहाँ पर जल जीवन योजना के अंदर में आश्चर्य लगेगा आपको कि इसी सरकार ने केंद्र का पैसा आने के बाद में टेंडर किया, जब बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया तो इसी सरकार निरस्त किया, यानी प्रमाणित भ्रष्टाचार है। और वहाँ पर शराब माफिया, आपके गांजा माफिया, चरस माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया, एक माफियाओं की सरकार है और अपराध इतने बढ़ गए हैं कि अपराधियों को लग रहा है मेरी सरकार। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जब अपराधियों को लगे मेरी सरकार है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। वहाँ के भ्रष्टाचार के संदर्भ में इतना ही कहूँगा, एक लाइन में अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि वहाँ छत्तीसगढ़ में एक पारदर्शी भ्रष्टाचार है। पारदर्शी भ्रष्टाचार की कहानी क्या है, क्योंकि आप ही समझेंगे वो पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी विद करप्शन। देखिए, जहाँ से उनको पैसा आना है जी, वो वहाँ पे जो एक रिक्शा चलाने वाला जो हमारा मजदूर है जी, वो भी जानता है कहाँ से इनको पैसा आ रहा है। अच्छा, वहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि शराब से कितना पैसा आ रहा है, अवैध खनन से कितना पैसा आ रहा है, रेत माफिया कितना पैसा दे रहे हैं, भू माफिया कितना पैसा दे रहे हैं, कोल माफिया कितना पैसा दे रहे हैं, सार्वजनिक है सब। अच्छा, सब खुला हुआ है कि भाई आपको सार्वजनिक है। और ये सब पैसा छत्तीसगढ़ का जो है जी, दिल्ली के आलाकमान को खुश करने के लिए चुनाव के अंदर में छत्तीसगढ़ का धन जो है उसका लगाकर जो है वहाँ पर जाकर जीतने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कल ही मेरा प्रश्न लगा था कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों की भूख शांत करने का एक बीड़ा उठाया इस कठिन कोविड काल के अंदर में, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको अन्न को बांटा ही नहीं और उसने जो है एक सर्कुलर निकाला जी, और उस सर्कुलर के अंदर में साफ अंकित है, मैंने कहा पारदर्शी भ्रष्टाचार है कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो चावल मिलेगा, 5 किलो प्रति व्यक्ति किसी को नहीं मिला। तो ये अपने आप में एक फिर वो गया कहाँ सर, क्या उस पर फिर जो इतना लाखों टन बांटा गया है। और जब हम इस तरह की बातें करते हैं, कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा अगर सहायता कहीं लोगों को, आम जन को मिली है, तो उस राशन से मिली है जो हर परिवार के हर व्यक्ति को 5 किलो दिया गया। अगर एक प्रदेश में लागू नहीं किया जाता तो वाकई में ये बहुत ही चिंताजनक है। सुनील जी, सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों तक चलता रहा, आप लोग शांत तो नहीं होंगे, कुछ न कुछ हंगामा ज़रूर हुआ होगा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सड़क पर है जी, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब सरकार बेशर्मी की पराकाष्ठा लांग देती है जी, उस समय में जो है जनता का जो आक्रोश है, अगले साल 2023 में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे ये मत सोचे कि 5 साल में जो हमने किया है ये हमारे क्षम्य होगा। कागज जो है, मैं भी 2 बार महापौर रहा हूँ, कागज प्रमाणित होता है, कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे ये लोग, गोबर घोटाले में जेल जाएंगे। हाँ, सब ये जो है इतने सारे घोटाले हैं, मैं गिनाऊंगा। मैंने कहा आपको कि पारदर्शी भ्रष्टाचार किसी चीज में, आज किसान परेशान है,
तीन बोरा वर्मी खाद उसको एक एकड़ में कंपलसरी कर दिया, एक बोरा 300 रुपए का आता है, काली मिट्टी पीस कर दे रहे हैं, वर्मी खाद नहीं है। तो ये कुल मिला के मजदूर, किसान, व्यापारी, सारा वर्ग, हमारी महिलाएं, युवा महिलाओं को कहा शराबबंदी कर देंगे। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शराब बिक रही है, और ऑनलाइन शराब के बाद में उसमें 20 रुपए प्रति बोतल जो है कोविड के नाम पर सेस लगा कर रखा है, और कोविड के नाम पे लगभग अभी 800 करोड़ रुपया है जी। लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, पैसा है खर्च नहीं करेंगे, हम भ्रम पैदा करेंगे, हम समस्या पैदा करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक मूल अंतर है। कांग्रेस पार्टी समस्या पैदा करके राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान करके राजनीति करती है। ये जो एक मूल अंतर है, इस कारण जो है मोदी जी के नेतृत्व में देश जो तरक्की कर रहा है, आज जो कांग्रेस मुक्त हो रहा है, उसका प्रमुख कारण है कि अब जनता समझती है कि ये समस्या पैदा करके जो है छाती फिट के राजनीति करने वाले लोग हैं, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब देश का विकास चाहिए। फ्रीबी को लेकर प्रधानमंत्री हमारे कि बिजली फ्री, पानी फ्री, फलां फ्री, चिल्ला फ्री, सारी चीज़ फ्री कर दीजिए, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बहुत सही नहीं है सेहत के लिए, देश की सेहत के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, तो उसमें आपकी क्या है? देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके अंदर में एक हौसला, एक ताकत है कि देश को आगे बढ़ाने का एक जज्बा है, और जिस व्यक्ति के अंदर में जज्बा होता है वो व्यक्ति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बच्चों को आगे बढ़ाने का योजनाएं लाना, अंतिम व्यक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को लगे मेरी सरकार है, मेरा प्रधानमंत्री, उसके लिए योजना लाना, उसके जीवन में परिवर्तन करना, तो इसके लिए पैसा खर्च हो, फ्री की रेवड़ी बांट के जो है हम तत्काल जो वोट बैंक और फायदा लेते हैं उससे राज्यों को बचना चाहिए, ये कहने वाले पहले प्रधानमंत्री देश के। और मुझको खुशी है इस बात की कि ये ऐसी बात जो है केवल एक ईमानदार प्रधानमंत्री, देशभक्त प्रधानमंत्री कर सकता है। हमको गर्व है कि हम ऐसे पार्टी के अंदर में हैं जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जैसे हमारे नेता और प्रधानमंत्री हैं। सर, एक सवाल ये है कि जब सरकार वहाँ विपक्ष की आपकी है तो सरकारी योजनाओं में तो दिक्कत आ ही रही है, आपके क्षेत्र के विकास में भी इसका असर पड़ता होगा? देखिए, वहाँ विकास हो ही नहीं रहा है, और हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया लोन ले लिया। ये राज्य एक ऐसा राज्य है जो उस लोन का ब्याज पटाने के लिए लोन ले रहा है, तो उससे हम विकास की अपेक्षा करना, हम अपने आप को समझते हैं कि एक बेईमानी है। लेकिन मुझको खुशी है इस बात की कि इन 3 सालों के अंदर, कोविड के 2 साल होने के बावजूद, मैंने केंद्र के माध्यम से बहुत कुछ अपने क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया। अभी जो बहुत लंबे समय से राजधानी बनने के बाद में सबको लग रहा था, जहाँ बहुत एक्सीडेंट होते थे, बहुत मौत होती थी, स्टाटी बन में 4 लेन फ्लाईओवर बन रहे हैं, मुझको एक सुकून मिला कि मैंने जो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के सरोना स्टेशन से जो एम्स जाता था, उसको मैंने एम्स स्टेशन को सरोना के में के पीछे से मैंने जोड़कर मात्र 242 मीटर चलकर वो एम्स पहुँच जाएगा। तो ये जो काम जो है सुकून लगता है मेरे को कि मैं महापौर रह के अनेक काम किया हूँ, लेकिन ये ऐसे काम जो है एक सुकून लगता है। कोविड कालखंड के अंदर में जब सरकारें हाथ उठा दी, राज्य सरकार हाथ उठा दी, पैसा खर्च करने को तैयार नहीं, तो जनभागीदारी से जो है बड़ौदा बाजार के अंदर में, मंडी के अंदर में, उस सेट के अंदर में परमानेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया 400 बेड का, 120 बेड हमने ऑक्सीजन बेड लगाए, अभी एक उद्योगपति ने वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिया है। अच्छा। लेकिन बंद कर दिया सरकार ने, दुख होता है इस बात का कि वो अब DMF से हम तनख्वाह दे रहे थे, अब उसके लिए भी सरकार ने रोक लगा दिया, बंद हो गया अस्पताल। तो ये बंद करना, मैंने कहा समस्या पैदा करने वाले लोग हैं, इनको मानवीयता क्या होती है इनकी डिक्शनरी में नहीं है।